गा नहीं रहे हैं, केवल सुन भी नहीं रहे हैं। एक, हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घर आ जाते हैं, ईष्ट को अनुभव भी करते हैं। वहाँ पर हम मंदिर में जब जाते हैं तो अपने ईष्ट को अनुभव भी करते हैं, लेकिन मन, मन कैसा है? मन ऐसा है, हम मंदिर में हैं, मन संसार में है। हम सत्संग में हैं, मन संसार में है। इससे मन का एक स्वभाव समझ आता है कि हम कहीं पर भी हों, मन एक मिनट में कहीं भी पहुंच जाता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ मन हो, मन कहीं और भी हो सकता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस समय एक डेढ़ घंटा अपना मन बिल्कुल सत्संग में रखिए और ठाकुर जी के चरणों में अपना मन रखना है। कोई बातें नहीं होंगी। मेरे को तो ये भी लगता है कि पानी के अलावा एक डेढ़ घंटा हम कुछ ना ही लें। अभी ठाकुर जी को भोग लगने देते हैं, उसके बाद हम सब लेंगे कुछ भी। और सत्संग से अच्छा शायद कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हम अपने ईष्ट को अनुभव कर सकते हैं। घर में रह के हम किचन में हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन पूरा ध्यान नहीं लगता। सत्संग में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। तो आओ हम सभी मिलकर अपने कृष्णा को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। सभी एक साथ मिलकर, हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण हे कृष्ण हे।